हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। काफी लोगों द्वारा ये कमेंट आ रहा था कि स्टोर कीपर का सैलरी कितना है ओमान में। जी दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं ओमान में लगातार लगभग 8 या 9 साल से रह रहा हूँ, यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो काफी लोगों का सवाल था कि स्टोर कीपर में कितना सैलरी मिलता है और कितना पढ़ाई जरूरी है स्टोर कीपर में जॉब करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके बारे में इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप स्टोर कीपर में आने के लिए सोच रहे हैं तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लीजिएगा ताकि आपको सही सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि मैं ऑलरेडी ओमान में जॉब करता हूँ, मुझे पता है और बहुत सारी जानकारी लेकर आया हूँ जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे और हमारा वीडियो आप देखते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। जो लोग भी स्टोर कीपर में आना चाहते हैं और बहुत सारे उनको कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर सैलरी इसमें कितना मिलता है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कितने घंटा का ड्यूटी रहता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है, आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक आप देख लेते हैं तो। ठीक है, तो फ्रेंड आपको हम बता दें कि स्टोर कीपर में आने के लिए दो तरीके मैं बताने वाला हूँ आप किस तरह से आ सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए, अगर आपका कोई भी रिलेशन का आपका दोस्त हो या आपका भाई हो ओमान में किसी भी कंपनी में जॉब करता हो और उस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, स्टोर कीपर का ज़रूरत है, तो आपको इजीली बुला सकता है कंपनी से बात करके स्टोर कीपर में। और दूसरा जो दोस्तों है आने का तरीका, ऑफिस से। ऑफिस में अगर इंटरव्यू आता है तो जाएंगे आप वहाँ पे, अपना सीवी डॉक्यूमेंट जो भी है लेकर वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है स्टोर कीपर में। तो वहाँ से भी आप इजीली आ सकते हैं, वहाँ से इजीली आप आ सकते हैं वो स्टोर कीपर में जॉब करने के लिए ओमान में। ठीक है, ये दो तरीका है आपको मैं बता दिया, इस तरह से आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टोर कीपर में क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या क्या काम रहता है स्टोर कीपर का। तो बहुत सारे लोग जो नए नए हैं आने के लिए सोच रहे हैं, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है यहाँ पे क्या क्या काम किया जाता है स्टोर कीपर में। तो चलिए आज हम जानते हैं फटाफट इस वीडियो में। तो फ्रेंड हम आपको बता दें कि अगर आप स्टोर कीपर में आ रहे हैं तो सबसे पहले एजुकेशन आपकी लगभग ठीक ठाक होनी चाहिए, जैसे कि आप मैट्रिक पास होना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको कुछ कंप्यूटर का भी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप उसमें एंट्री कर सके। आपका जो भी स्टोर का सामान है, जो भी सामान आप दे रहे हैं, वो एक कंप्यूटर में उसको ऐड किया जाता है, उसी में ऐड करके रखा जाता है, यानी कि एंट्री किया जाता है। फ्रेंड हम आपको बता दें कि कंस्ट्रक्शन जॉब जहाँ पे लोहे का काम होता है, वेल्डिंग का काम होता है, आरेक्शन का काम होता है, डेक, जैकेट, रेक, ये सब बहुत सारा जो है काम यहाँ पे होता है। और इसमें अगर आप आते हैं तो स्टोर कीपर में काम क्या होता है कि पीपी का जितने भी सामान है आपको स्टोर कीपर में आप रहेंगे तो इशू करना पड़ता है वर्कर लोग को। जी हाँ दोस्तों, वर्कर लोग आएंगे आपके स्टोर में, वो लोग स्लिप लेकर, वो स्लिप फोरमैन देते हैं, फोरमैन स्लिप देंगे स्टोर कीपर में, वो वर्कर पहुंचेंगे तो आपको स्टोर कीपर अगर आप रहेंगे तो आपको वो स्लिप को देखकर उसमें जो भी सामान लिखा रहेगा वो आपको इशू करना है या आपको देना है सामान। ठीक है, तो आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो स्लिप में पढ़ सकेंगे कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आपको वो पढ़ना आना चाहिए जो स्लिप में लिखा है, तभी तो आप इशू करेंगे। फ्रेंड पीपीई का जितना भी सामान है, जैसे कि हैंड ग्लोव हो गया हाथ का, हेलमेट हो गया, या कवरऑल हो गया, या वेल्डिंग रॉड हो गया, या रिगर हैंड ग्लोव हो गया, या ग्राइंडिंग व्हील हो गया, इस तरह का बहुत सारा सामान है जो कि स्टोर में स्टोर कीपर का काम है वर्कर को देना। स्लिप में लिख कर मिलेगा फोरमैन के द्वारा, आपको उस पर्ची में देखकर, उस स्लिप में देखकर उस सामान को आपको इशू करना है। बहुत सारा ऐसे भी सामान है जिनको कंप्यूटर में भी ऐड करना पड़ता है,
और कंप्यूटर में ऐड करके उस सामान को ईशू यानी कि वर्कर को देना पड़ता है, ताकि कभी भी वो अगर आपका सीनियर चेक करना चाहे कि कौन कौन सा सामान आप ईशू किए हैं वो देख सके, इसीलिए कंप्यूटर में उसको ऐड करके रखा जाता है। तो फ्रेंड मतलब कि रोड का टेम्परेचर ये सब भी उसमें, ये स्टोर कीपर का ही काम है कि रोड को कितना टेम्परेचर हीटिंग में रखना है, तो हीटिंग करने का इनको ही जिम्मेवारी रहता है स्टोर कीपर का। और रजिस्टर में वो लोग जो फाइल है उसमें लिख कर रखते हैं हीटिंग का जो जो प्रोसीजर रहता है वो सब प्रोसीजर को वो लोग पालन करते हैं, और जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है उसी के हिसाब से वो जो स्टोर कीपर है वो चलता है, उसी के आधार पर वो लोग अपना मेंटेन बना कर रखता है जिस तरह से वो लोग बोलते हैं, क्लाइंट का जैसे रिक्वायरमेंट रहता है उसी प्रकार। और दोस्तों बता दें कि अगर आप स्टोर कीपर में आते हैं ना तो आपको बताया जाएगा, ये नहीं कि आपको स्टोर में डाल दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा ठीक है जो करना है करो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप नए रहेंगे तो पहले तो आपको किसी सीनियर के साथ में, सीनियर स्टोर जो कि पहले से 4 साल से 2 साल से कर रहा है उसके साथ में आपको रखा जाएगा, ताकि आप ट्रेंड हो सके, आपको जानकारी हो सके अच्छे से, ताकि आप अकेला स्टोर में रह सके, स्टोर को संभाल सके, तभी आपको अकेला स्टोर में रखा जाएगा, ताकि आपको जानकारी होने के बाद, ये नहीं कि आपको कुछ भी जानकारी नहीं है फर्स्ट बार आपको अकेला स्टोर में रख दिया जाए, आपको बोला जाए अचानक से कि ये करो, तो आप हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा, किसी भी तरह का मिस्टेक भी कर सकेंगे। तो अगर आपको पूरा जानकारी हो जाएगा किसी पुराने बंदे के साथ में आप रहेंगे 2-4 महीना 6 महीना रहेंगे, आपको पूरा जानकारी हो जाएगा तब आपको एक अकेला स्टोर में रखा जाता है। दोस्तों इस तरह से बहुत सारा सुविधा मिलता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे कंपनी के जो भी सीनियर है आपको समझाएंगे और आपको स्टोर में रखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर आप आते हैं तो आराम से आइए और यहाँ पे आकर जॉब कर सकते हैं स्टोर कीपर में। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारा भाई लोग सोचते हैं स्टोर कीपर में काफ़ी ज़्यादा सैलरी है, तो मैं आपको सैलरी भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे कितना सैलरी है स्टोर कीपर में। बाकी रह गया ओवर टाइम का, तो ओवर टाइम कंपनी में अगर सभी वर्कर ड्यूटी करेंगे ज़्यादा काम रहेगा, ओवर टाइम सभी वर्कर को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आप भी स्टोर अपना खोल कर रखेंगे और आपको भी 2 घंटा 3 घंटा जितना भी ओवर टाइम चलेगा आपको भी मिलेगा। ये नहीं कि वर्कर लोग जॉब कर रहा है ड्यूटी कर रहे हैं आपका स्टोर तो बंद नहीं होगा ना, स्टोर तो चालू ही रहेगा, जब तक वर्कर ड्यूटी करेगा तो आपका स्टोर भी चालू रहेगा, तो साथ साथ में आपको भी ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, नाइट में अलग स्टोर कीपर रहते हैं और दिन में अलग स्टोर कीपर रहते हैं, यानी कि नाइट डे। तो यार इस तरह से स्टोर कीपर में आराम से आप जॉब कर सकते हैं, नाइट हो या आपका डे हो, आप अपना शिफ्ट के हिसाब से आराम से इजीली आप काम कर सकते हैं, सैलरी मिलता है। हाँ ये बात मैं मानता हूँ आपको काम नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, आपका काम थोड़ा कम रहेगा, स्टोर कीपर में बैठ कर आपको ड्यूटी करना है, कंप्यूटर वोटर जो है ऐड करना है, या थोड़ा बहुत पेन से लिख कर स्लिप व्लिप आपको सामान इशू करना है, सामान देना है, बस यही, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं है लेकिन ज़्यादा सैलरी भी नहीं है ओमान में। ठीक है अगर स्टोर कीपर में कोई भी आता है तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि स्टोर कीपर में अगर कोई भी आता है ना तो सैलरी लगभग बता, ठीक है तो फ्रेंड 70-80-90 लगभग, तो इतना समझ लीजिए कि 18,000 से लेकर 25,000-30,000 के अंदर में आपका सैलरी यहाँ पे बेसिक सैलरी मिल जाता है, प्लस अगर आप ओटी करते हैं तो आपका सैलरी 30,000 तक 35,000 तक चला जाता है यहाँ पे स्टोर कीपर में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 30,000 से 35,000 रुपये आपका सैलरी मंथली का आ जाएगा स्टोर कीपर में। तो यार इस तरह से स्टोर कीपर में आराम से आप जॉब कर सकते हैं, नाइट हो या आपका डे हो, आप अपना शिफ्ट के हिसाब से आराम से इजीली आप काम कर सकते हैं। और बहुत सारा भाई लोग ये सोचते हैं कि स्टोर कीपर में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि स्टोर कीपर में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है। हाँ ये बात मैं मानता हूँ आपको काम नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, आपका काम थोड़ा कम रहेगा, स्टोर कीपर में बैठ कर आपको ड्यूटी करना है, कंप्यूटर वोटर जो है ऐड करना है, या थोड़ा बहुत पेन से लिख कर स्लिप व्लिप आपको सामान इशू करना है, सामान देना है, बस यही, ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं है लेकिन ज़्यादा सैलरी भी नहीं है ओमान में। ठीक है अगर स्टोर कीपर में कोई भी आता है
तो चलिए आपको हम बता देते हैं कि स्टोर कीपर में अगर कोई भी आता है ना, तो सैलरी लगभग लगभग बता दूँ सबसे 80 रियाल 90 रियाल मिनिमम आपका सैलरी इतना मिल जाता है। तो इतना समझ लीजिए कि 18,000 से लेकर 25,000 30,000 के अंदर में आपका सैलरी यहाँ पे बेसिक सैलरी मिल जाता है। प्लस अगर आप ओटी करते हैं तो आपका सैलरी 30,000 तक 35,000 तक चला जाता है यहाँ पे स्टोर कीपर में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपका सैलरी मंथली का आ जाएगा स्टोर कीपर में। ठीक है फ्रेंड, तो इतना लगभग सैलरी मिल जाता है। बहुत सारा भाई लोग सोचते हैं यार स्टोर कीपर बहुत बड़ा जॉब है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एक आपको नॉर्मल ही ये जॉब है, आपका 30-35 हज़ार सैलरी मिल रहा है तो नॉर्मली समझिए आप इतना तक पैसा कमा सकते हैं, यानी कि 30-35 हज़ार रुपया। तो दोस्तों, अगर आप स्टोर कीपर में आने के प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि क्या क्या काम करना पड़ता है और स्टोर कीपर में कितना सैलरी मिलता है और ओवर टाइम कितना मिलता है। काम करने का टाइमिंग आपको पता है, यहाँ पे 8 या 9 घंटा प्रेजेंट टाइम रहता है, प्लस आप ओटी करते हैं तो वो ओवर टाइम में मिलता है। ठीक है, तो यार ओमान में आप कुछ इस प्रकार से स्टोर कीपर में जॉब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई और जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या फेसबुक पेज में या हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया लिंक है, आप उस पे कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश। दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।